एटीएस ने मुठभेड़ में सभी आतंकियों को ढेर कर दिया है। यह खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर सबसे पहले हमने दिखाया था, आप तक पहुंचाया था और पूरा अपडेट अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने आप तक खबर पहुंचाई किस तरह से आचारपुरा में आठों आतंकियों को जो भोपाल सेंट्रल जेल से भागे थे सभी को मार गिराया गया है और फर्स्ट विजुअल भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एटीएस ने मुठभेड़ में आठों आतंकियों को मार गिराया, आठ आतंकी। सबसे पहले जो खबर आई कि आतंकी जेल से भाग चुके हैं एक हवलदार को की हत्या करने के बाद। इसके बाद एटीएस सतर्क हुई, सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया, पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया और एटीएस को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आठों आतंकियों को मार गिराया गया है। आचारपुरा गांव जो बताया जा रहा है कि वहां से 3 से 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है भोपाल से, आचारपुरा गांव में छुपे हुए थे, वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गांव के लोगों ने सूचना दी पुलिस को। इसके बाद एटीएस सतर्क हुई और सभी आठों आतंकियों को मार गिराया गया। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एटीएस को बड़ी कामयाबी लगी है, भोपाल सेंट्रल जेल से भागे सभी आठों आतंकियों को मुठभेड़ में मारा गया है। तो भोपाल के आचारपुरा में जेल से भागे सिमी के सभी आतंकियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि एटीएस ने मुठभेड़ में सभी आतंकियों को ढेर कर दिया और पहले जो खबर आई थी कि 5 आतंकी एनकाउंटर में मारे गए हैं लेकिन 3 आतंकियों के बारे में किसी तरह की कोई सूचना नहीं आ रही थी, लेकिन बताया जा रहा था कि वे भी आतंकी इन्हीं लोगों के साथ थे। इसके बाद आचारपुरा गांव को पूरी तरह से घेर लिया गया था और ग्रामीण गांव वालों की सूचना के आधार पर एटीएस सतर्क हुई थी। इसके बाद सभी आठों आतंकवादियों को मार गिराया गया। बड़ी कामयाबी एटीएस को लगी है। सुबह 3 से 4 के बीच में जेल से भागे थे, इसके बाद 11:30 बजे तक आठों आतंकियों का सफाया कर दिया गया, मुठभेड़ में मार गिराया गया। बहुत ही कम समय में सतर्कता यहां पर देखी जा सकती है एटीएस की, बहुत ही कम समय में त्वरित कार्रवाई करते हुए एटीएस को बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा प्रणाली में जो वहां पर लापरवाही दिख रही थी भोपाल सेंट्रल जेल में, उस लापरवाही का फायदा इन 8 आतंकियों ने उठाया लेकिन इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि क्या भागने के बाद वो जिंदा रहेगा, इस बात का इल्म नहीं था क्योंकि भागने के बाद उसे और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि जिस गांव में छुपा था उसी गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में। तब तक खबर ही पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी और पूरा देश जब दिवाली त्यौहार मनाने के बाद जब जागा तो इस खबर के बाद पूरा देश इस वक्त सतर्क हो चुका था। इन 8 आतंकियों के भागे जाने की खबर के बाद पूरा देश चौकन्ना था, पूरे देश को सतर्क अलर्ट पर रखा गया था और उसी का नतीजा, उसी का रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलकर सामने आया। बड़ी कामयाबी निकलकर सामने आई एटीएस के हाथ लगी क्योंकि गांव वालों ने सूचना दी थी कि कुछ संदिग्ध लोग उसके गांव के आसपास घूम रहे हैं और शायद ये 8 आतंकी वहां से भागने की योजना बना रहे थे और भी दूर निकलने की योजना बना रहे थे, लेकिन तब तक एटीएस सतर्क हो चुकी थी। और इसके बाद जब एटीएस की तरफ से कहा गया होगा इन्हें सरेंडर करने के लिए तो इनकी तरफ से तो आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग की गई होगी अगर इस तरह की बात सामने आती है। इसके बाद एटीएस की तरफ से जवाबी फायरिंग में मुठभेड़ में इन 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया। बड़ी कामयाबी एटीएस के हाथ लगी है और पूरी खबर, पूरा अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं किस तरह से जब सुबह 3 और 4 के बीच में जेल को ब्रेक करने के बाद भोपाल सेंट्रल जेल से सभी भागे थे, इसके बाद बहुत ही कम समय में 8 आतंकियों को मार गिराया गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी कुलदीप इस वक्त हमारे साथ हैं। कुलदीप, बहुत ही कम समय में सुबह 3 और 4 के बीच में भोपाल सेंट्रल जेल को ब्रेक किया गया, 8 आतंकी भागे, पूरा देश जब सुबह दिवाली का त्यौहार मनाने के बाद सुबह जागा तो इस खबर के बाद सतर्क हो गया, उसका बड़ा रिजल्ट सामने दिख रहा है। बहुत ही कम समय में एटीएस की सतर्कता की वजह से 8 आतंकवादी मारे गए हैं। कुलदीप जी, देखिए गौरीशंकर, मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश सरकार के उच्च पदस्थ सूत्र हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है और ये सरासर अगर हम देखें साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार और
जो भोपाल सेंट्रल जेल है उसके अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। और एटीएस ने 9 घंटे बाद भोपाल के बाहरी इलाके में ईटखेड़ी गांव के पास इन सभी को घेरकर इन्हें मार गिराया है। लेकिन ये बेहद बड़ा मामला है, खासतौर पर लापरवाही का। मैं आपको बता दूं गौरीशंकर की ये जो घटना है, जो सरकारी सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है, जो भोपाल में जो मिनिस्टर हैं और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे हमारी जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक रात को 2 से 3 बजे के बीच ये जेल ब्रेक हुआ है। और ये जो 8 आतंकी से संबंधित जिन्हें मार गिराया गया है, इनमें से 3 आतंकी वो हैं जो 2013 में खंडवा, जो मध्य प्रदेश में इलाका है, वहां पर भी जेल ब्रेक करके वहां से भी जेल से फरार हुए थे। और वहां पे भी इसी तरह से इन्होंने गार्ड पर हमला किया था और रात को फरार हो गए थे। तो ऐसे में जब 8 में से 3 आतंकी जिन पर पहले भी जेल ब्रेक करने का आरोप है, उनको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि 5 अधिकारियों को मध्यप्रदेश सरकार ने सस्पेंड जरूर कर दिया है, लेकिन ये सवाल उठाता है कि भारत की जेलों में, खासतौर पर मध्यप्रदेश की जेलों में, जहां पर सीमी के कई आतंकी बंद हैं, इंदौर हो, खंडवा हो या भोपाल, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी लचर है ये साफ दिखाता है। ईटखेड़ी गांव में, भोपाल के बाहरी इलाके में, करीब 9 घंटे की मशक्कत के बाद जो एटीएस है और मध्यप्रदेश पुलिस है, उसने इन आतंकियों को घेर कर इन्हें मार गिराया है। लेकिन रात को 2 से 3 बजे के बीच की ये घटना है, और उस घटना में इन्होंने स्टील की प्लेट का इस्तेमाल किया। एक ग्लास और स्टील की प्लेट से इन्होंने जो बाहर गार्ड था उसका गला रेत दिया, उसकी हत्या कर दी, और दूसरे गार्ड को बेहद गंभीर रूप से घायल कर दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है गौरीशंकर की, रात में जब ये जेल ब्रेक हो रहा था, तब बाकायदा एक बाथरूम की दीवार को तोड़ा गया। बाथरूम की दीवार को तोड़ने के बाद चादरों और कम्बल के जरिए 14 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ा गया। तो क्या रात के वक्त भोपाल सेंट्रल जेल के सभी जो संतरी हैं, जो गार्ड हैं, वो क्या सो रहे थे, या जो अधिकारी थे वो क्या उनकी जो चौकसी है वो ठीक तरह से नहीं थी? बिल्कुल, तमाम सवाल हैं, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कुलदीप जी। लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे कि बहुत ही कम समय में ऐसा लग रहा था इन आतंकियों को कि जेल से भागने के बाद वो पूरी तरह से भाग ही जाएंगे, बहुत ही कम समय में एटीएस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुबह 3 और 4 बजे के आसपास भागे होंगे और अभी 11:30 बजे के बीच खबर आ गई कि सभी मारे गए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास जानकारी है, सुबह करीब 4:30 बजे जो है वो प्रशासन को पता लगा है, और जेल के अधिकारियों ने करीब 4:30 बजे मुख्यमंत्री के कार्यालय और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सूचना दी। यानी करीब आतंकियों के 1.5 घंटा, मतलब भागने के 1.5 घंटे बाद जाकर प्रशासन हरकत में आया है। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो एटीएस है उसे लगाया गया, इसके अलावा भोपाल पुलिस के जवान लगे और पूरे इलाके में अलर्ट घोषित किया गया, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, और तब जाकर करीब 8 से 9 घंटे के मशक्कत के बाद बाहरी इलाके में भोपाल के इन्हें घेरा गया और इन्हें मार गिराया गया। लेकिन ये सरासर लापरवाही है, और मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी गलती भी मानी है गौरीशंकर। जी बिल्कुल, 3 बजे के बीच की घटना है, गलती मानी। लेकिन कुलदीप जी, एक सवाल यहाँ पर और उठ रहा है कि जब इतने कुख्यात थे आतंकी, उसमें से 3 आतंकियों का रिकॉर्ड रहा है कि पहले भी भाग चुके हैं जेल को तोड़कर, तो इन सभी आतंकियों को एक ही जेल में रखना, वो भी इस तरह से लचर सुरक्षा व्यवस्था में, एक बड़ा सवाल यहाँ पर नहीं खड़ा होता? और कई ऐसे जेल हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्था अभी भी बनी हुई होगी। बिल्कुल, देखिए गौरीशंकर, यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल को लगातार पूछा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि जो 8वें आतंकी है जिन्हें मार गिराया गया है, जिन्हें मार गिराने का दावा किया है एटीएस ने, ये तमाम लोग, ये 8 के 8 आतंकी एक ही सेल में भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद थे। जबकि आमतौर पर इस तरह के आतंकियों को एक साथ नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो इस तरह की योजना बनाते हैं जेल से भागने की, और खास तौर पर तब जब इनमें से 3 आतंकी 2013 में खंडवा में जेल ब्रेक करके भागे थे, पुलिस ने कई दिनों की मशक्कत के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपियों पर देश के अलग अलग इलाकों में वारदात को अंजाम देने के आरोप है। तो ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में सभी लोगों को एक जगह रखना, एक सेल में रखना, और इस तरह से सुरक्षा एक बड़ी सुरक्षा खामी यहाँ पर, बड़ी सुरक्षा खामी नजर आ रही है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में और हालातों में इन कुख्यात खूंखार आतंकियों को एक साथ एक बैरक में रखा गया। जबकि इतना तो पता होता ही है कि अगर एक साथ अगर इस तरह के कुख्यात और
और खूंखार आतंकी एक जगह बैठेंगे तो इस तरह की योजना बना सकते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर कुलदीप हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कुलदीप जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो 8 आतंकवादी जो भागे बहुत ही कम समय में, एटीएस की सतर्कता की वजह से सभी 8 आतंकियों को मार गिराया गया। इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा जी हमारे साथ हैं। आगा साहब, बहुत ही शुरुआत में तो बहुत ही निराशा हुई खबर, जैसे ही दिवाली मनाने के बाद सुबह लोग उठे 8 आतंकवादी भाग के, इस खबर को सुनने के बाद बहुत निराशा हुई, लेकिन बहुत ही कम समय में एटीएस को बड़ी कामयाबी भी मिली। आगा साहब जी, बिल्कुल सही आपने कहा, ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि गैप था उसमें, इनको एक जगह नहीं रखना चाहिए था जैसा आप लोगों ने बताया, लेकिन ये अच्छी बात है कि अब ये लोग हटा दिए गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं, खतरा कम हो गया है। लेकिन एक चीज है कि इनके रहते हुए इन्वेस्टिगेशन चलता, बहुत सी इंफॉर्मेशन और भी मिल सकती थी, उसका नुकसान हुआ है। ये सही बात है कि ये लोग मारे गए, लेकिन ये है कि जो नुकसान होना था वो तो खैर बहरहाल हो गया जी। और दूसरी चीज ये भी है कि और भी बहुत से इस तरह के आतंकी हैं जो दूसरे जेलों में बंद हैं, मैं समझता हूँ उनके ऊपर एक रिव्यू करने की जरूरत है, उनकी सिक्योरिटी और उनको किस तरीके से रखा जाए ताकि कोई दूसरा न भागने पाए। आगा साहब, इसमें से 3 आतंकी ऐसे थे जो पहले भी जेल को ब्रेक करने के बाद भागे हैं, और शायद इस बार उन्हें इल्म नहीं था कि भागने के बाद वो इस बार भी बच जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि पूरा देश इस वक्त सतर्क हो चुका है, चौकन्ना हो चुका है इस तरह की सूचना देने के लिए, इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखने के लिए, इसी का फायदा हुआ एटीएस को। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, देश में जो जागरूकता आई है इन लोगों के प्रति और लोग काफी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि कोई एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप होनी चाहिए इस मसले पे, क्योंकि बहुत सीरियस मसला है, ये भागे कैसे, ताकि पूरा पता होना चाहिए कि क्या नेक्सस था, किस तरह से इन्हीं ने किसके साथ मिलके ये साजिश की और भागने में कामयाब हुए। ये सेल्फ ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह वो निकले, तो इसके ऊपर एक जांच पड़ताल की जरूरत है, और ताकि दूसरी रिपोर्ट आने से ये पता चलेगा कि दूसरी जगह इनकी किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरीके से जेलों में रखा जाए ताकि ये आइंदा न भाग पाए। तो ये बड़े हाई प्रोफाइल मिलिटेंट्स होते हैं, इनके पीछे और भी बहुत से लोग होते हैं जो इनको छुड़ाने में मदद करते रहते हैं, क्या वो एक्सेस भी देखना चाहिए, किसने इनको छुड़ाया, कहाँ से इनको मदद मिली, पैसे कहाँ से आए, क्या ब्राइब दी गई भागने के लिए लोकल ऑफिशियल्स को जी, तो सभी चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। आगा साहब, एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, जब इन आतंकियों को खूंखार और बहुत ही जो डेंजरस होते हैं, जब उन्हें जेल में रखा जाता है, तो किन किन मापकों का ध्यान रखना चाहिए, और सभी जेलों में इस तरह के मापक और इस तरह के पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। जी, मैं वही कह रहा था, इन लोग को जनरली बाकी कैदियों से अलग रखना चाहिए और रखे जाते भी हैं, और इनको इनके ऊपर खास नजर रखी जाती है, और ये भी देखना चाहिए कि इनके साथ कौन आ रहा था मिलने, क्या किसी को मिलने की परमिशन थी, कोई इंफॉर्मेशन इनको कैसे मिली थी, इसी के बाहर कोई ना कोई इनका कॉन्टैक्ट होगा जिसने इनकी मदद की बाहर निकलने में, वो कौन है, वो कहाँ से मदद मिली इन लोगों को और किस तरीके से, इसलिए क्या पैसे के माध्यम से ये छुड़ाए गए, भागे हैं वहां से, पैसा खर्चा किया गया है, या सिक्योरिटी लैब्स थी और वहाँ के ऑफिशियल सिक्योरिटी नहीं कर प्रोवाइड कर पाए, इसलिए जेल से बाहर निकलना कई लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी, तो उसको तोड़ के निकलना आसान काम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनसे मिला हुआ जरूर रहा होगा, या ये कि कहीं ये लेके जाए जा रहे थे और रस्ते में इन्हीं पुलिस को डॉज दे के भाग गए, सारी चीजें हैं, हमको इंतजार करना चाहिए, जल्दी ही सारी पूरी जानकारी आने का इंतजार करना चाहिए। कमर आगा साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा कह रहे थे कि जो सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पर जो नजर आ रही है, इसकी बहुत ही गहनता से जांच पड़ताल होनी चाहिए, और जो दूसरी बड़ी बात है कि बहुत ही अच्छी बात इस कुछ कम समय में देखी जा रही है कि लोगों में सतर्कता, लोगों में जागरूकता बढ़ी है ऐसी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में नजर रखने के लिए।